स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अलकम एजुकेशनल चैनल। हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें स्टूडेंट ने अभी ये कहा था उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो हमने बैंकिंग के गेस्ट दिए थे नौ क्वेश्चन के। तो आज जो हमारे पास नौ क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे तो हमने सोचा कि उनके लिए बना लिए जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट नौ क्वेश्चन बैंकिंग के आईकॉम पार्ट टू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, राइट नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक के तक आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट नोट ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द बैंक ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में आपने बैंक का किरदार लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट एडवांटेजेस बेनिफिट्स या मेरिट्स, तीनों का मतलब ही क्या होता है, फ़ायदे। ठीक है, ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने क्या करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या लिखने हैं, फ़ायदे लिखने हैं। ठीक है, इसको खसूसियात पर भी लिखा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास जो है फंक्शन सेंट्रल बैंक के, या यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टेट बैंक भी कहते हैं। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक सेम ही है दोनों। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन और कमर्शियल बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आ जाते हैं। फाइव में क्या है, डिफाइन द फॉरेन एक्सचेंज एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब गर्म वादा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राइट एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट के, बैंक होल्डर के अकाउंट जो आप खोलते हैं उसके फ़ायदे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के आपने फ़राइज़ बताने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो फंक्शन वाला है, एक सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसे आप स्टेट बैंक भी कहते हैं, और एक कमर्शियल बैंक, ये दोनों बहुत अहम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट मेरे पास है, राइट एडवांटेजेस ऑफ चेक, चेक के एडवांटेजेस लिखें या इंपॉर्टेंस, दोनों का मतलब सेम आता है, या इंपॉर्टेंस भी आ जाए या एडवांटेज भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास नाइन है, हाउ डज सेंट्रल बैंक वर्क एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के तौर पर सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, क्लियरिंग हाउस कहते हैं हिसाब बन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन है, राइट नोट ऑन मेथड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के तरीके पर नोट लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अलेवन है, राइट नोट ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वजूहत की बिना पर बैंक जो है चेक को मुस्तरद कर देता है। उसके बाद मेरे पास है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस, उसके फायदे लिखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे है, मेरे पास बता दिए मैंने, थर्टीन पे आ जाए, राइट नोट ऑन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम ऑन पाकिस्तान पे, जो सूदी निज़ाम पर बैंक काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने नोट लिखना है। अब दोबारा से आपको शुरू से दिखाते हैं ताकि किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, देख लें, वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए 14 पे आ जाए, 14 पे मेरे पास है, राइट बेनिफिट्स ऑफ ए टी एम मशीन के फ़ायदे लिखने हैं आपने। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, नंबर गलत होगी, इसको काटा हुआ मैंने। 15 पे यहाँ पे है, राइट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूव इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, मुल्क में इस्लामिक बैंक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, 17 मेरे पास क्या है, राइट नोट ऑन स्टेट बैंक इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में माशी तरक्की में उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया सेंट्रल बैंक पर, उस पर भी आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टेट बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। उसके बाद है 19 पे है, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं, कौन 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 से मकासद है। हाउ इज अकाउंट इज ओपन इन बैंक, बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, राइट इन डिटेल्स। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको वजाहत से बयान करना है। तो ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर तो इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो भी हम आपको साथ बता देंगे। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बैंकिंग के इंग्लिश मीडियम वाले के, तो शॉर्ट जराफिया के भी लॉन्ग के आ रहे हैं, आपने कौन सा हमने पढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। तो जो चीज़ें आपको साथ साथ दी जा रहे हैं आप लोगों ने क्या करनी है, उसकी तैयारी करना शुरू कर दिए। तो अगर बीच में हमें कोई भी और दूसरा हिंट या गैस मिलता है कि पता चले कि और मज़ीद आने के तोक्का है या चांसेस है, तो वो भी हम आपको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो सिंपल सा काम क्या करना है आप लोगों ने, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।